हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर की एंशियंट हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास के सेकंड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 4। आपको पता है सेकंड सेमेस्टर के जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में आपका ऑप्शनल पेपर होने वाला है। तो हर यूनिट से रिलेटेड आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस जो हो सकते हैं, वो सारा कुछ हम आपको बैक टू बैक क्लासेस में दे रहे हैं। एंड पूरा एक लाइव क्लास में हमने आपका पूरा आठों चैप्टर्स के, आठों यूनिट के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारा कुछ एक ही वीडियो में हमने दिया हुआ है, जो कि मास्टर वीडियो हमने सभी सब्जेक्ट्स का दिया हुआ है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जहां पर हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, मतलब कि एक वीडियो आप देख लो, पूरा पूरा पेपर, एक पेपर आपका कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से हमने वीडियोज आपके लिए बनाई हुई, तो प्लीज चैनल पर विजिट करके आप सारी वीडियोज देख सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि आंध्र सातवाहन वंश का सबसे पराक्रमी शासक कौन था। जो आंध्र सातवाहन वंश रहा, इसका सबसे पराक्रमी शासक जो रहा वो गौतम पुत्र सातकर्णी था। गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे पराक्रमी शासक के रूप में जाना जाता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपसे है कि सातवाहन जो वंश था, इसका संस्थापक कौन था। जो ये सातवाहन वंश चला, इसका संस्थापक था दोस्त सिमुख। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुख। अगला क्वेश्चन है आपके पास थर्ड नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म का संरक्षण नहीं दिया। कौन सा ऐसा शासक था जिसने जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया? तो वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसने जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कि गौतमी बलश्री माँ थी। गौतमी बलश्री जो थी, ये किसकी माँ थी? तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी की माँ थी। इनके माँ के नाम पे ही इनका नाम पड़ा है गौतमी पुत्र, और बेसिकली इनका नाम सातकर्णी था। अगला क्वेश्चन है आपके पास फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। जो ये सातवाहन वंश चला, इनकी राजकीय भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा भी अशोक की तरह प्रकृति भाषा थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि पुराणों के अनुसार सातवाहन शासकों के वंश का क्या नाम था। तो पुराणों के अनुसार जो सातवाहन शासक थे, इनके वंश का नाम था आंध्र। आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आंध्र वंश। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सेवंथ नंबर का क्वेश्चन कि एक ब्रह्मा जो है, ब्रह्मन की उपाधि किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यह भी किया जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए ही। अगला क्वेश्चन है आपके पास एट नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को सक यवन पहलव निशूदनस घोषित किया। तो ये भी गौतमी पुत्र सातकर्णी ही था। अगला क्वेश्चन है आपके पास नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने शासक अपने मातृ नामों से जाने जाते थे। तो वो सातवाहन शासक ही, जैसे आप देख सकते हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये भी इनकी माँ के नाम पर था। तो मातृ नामों से जाना जाता था किसको, कौन से वंश था? वो सातवाहन वंश था। अगला क्वेश्चन है आपके पास टेंथ नंबर का क्वेश्चन कि खारबेल जो थे वो पूजक थे। तो ये जो खारबेल होते थे वो जैन धर्म के पूजक थे। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जैन धर्म के पूजक थे खारबेल। अगला क्वेश्चन है आपके पास इलेवंथ नंबर का क्वेश्चन कि हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये खारबेलों से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन कि खारबेल के इतिहास का जो मुख्य स्रोत है, ये हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, वहीं से खारबेलों के इतिहास के बारे में हमें जानने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख खारबेल की उपलब्धियों को दिखाता है। तो आपको पता ही है कि हाथी गुम्फा अभिलेख है वो। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन कि खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में किस शासक का उल्लेख है। तो खारबेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ना, इसमें भी सातवाहन के शासक सातकर्णी का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 15 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि किस अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख पहली बार हुआ है। वो कौन सा अभिलेख है जिसमें भारतवर्ष का उल्लेख पहली बार हुआ है? तो वो अभिलेख है हाथी गुम्फा का अभिलेख। अगला क्वेश्चन है आपके पास 16 नंबर का क्वेश्चन कि खारबेल राजा था। खारबेल जो था वो कहां का राजा था? तो वो कलिंग का राजा था। आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कलिंग का राजा था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 17 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने सातकर्णी प्रथम को पराजित किया था। तो सातकर्णी प्रथम को पराजित करने वाला राजा था कौन? खारबेल। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि नंदवंश के एक शासक नहर द्वारा एक नहर खुदवाने की सूचना किस अभिलेख में मिलती है। कौन सा ऐसा शासक था जिसके द्वारा नहर खुदवाने की सूचना मिलती है अभिलेखों के द्वारा? तो वो राजा था दोस्त जो है खारबेल का हाथी गुम्फा का अभिलेख, जिस अभिलेख के द्वारा हमें पता चलता है कि एक शासक था जो नंदवंश का, जो नहर खुदवाना चाहता था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 19 नंबर का क्वेश्चन कि नंदों का अभिलेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है। नंदों का अभिलेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो वो है खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख।
खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो नंदों का जो है उल्लेख करने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन कि जैन धर्म का प्रबल अनुयायी कौन था। जैन धर्म का प्रबल अनुयायी था खारवेल। आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। खारवेल जो था वो जैन धर्म का पहला अनुयायी था। प्रबल मतलब बहुत तीव्र अनुयायी था, पहला नहीं। तो ये था दोस्त हमारा यूनिट नंबर 4। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और एग्जाम में उनके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू। बाय बाय।